नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम लोगों के बीच में एक महान क्रांतिकारी किसान नेता पधारे हुए हैं और हम उनसे उन्हीं से पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने जो ये जो सड़कें रोक रखी हैं, जो आपने ये राशन इकट्ठा कर रखा है और आप जो सर्दी का मजा सड़कों पर ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अरे थोड़ा सा टोपी तो ऊपर कीजिएगा, चेहरा ही नहीं दिख रहा। लीजिए ना, ये टोपी उतार ही देते हैं। टोपी तो हम लोगों को पहनाते हैं, हमने टोपी तो गलती से पहन ली है। हाँ, अब दिख रहा है। चश्मा उतार दीजिए ना। हाँ, चश्मा उतार देंगे तो फिर साफ साफ नहीं दिखेगा। अब साफ साफ दिखना है तो चश्मा पहनना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो तो उतार देते हैं, क्योंकि चश्मा तो लोगों ने पहन रखा है भरूप का, धोखे का। अच्छा ये बताइए, आपकी ये जो आंदोलन है इसके पीछे, देखिए बहुत साफ सी बात है, इस आंदोलन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। भाई हमें तो टेंशन ये है कि हमारी कमीशन मर रही है। अब जो हम किसान से 10 रुपए में लेते थे और अपने यहाँ इकट्ठा करके रख लेते थे और फिर आगे हम उसको 50 रुपए में बेचते थे, वो जो 40 रुपए बेच के जा रहे हैं ना भाई, हमारी तो वो टेंशन है। तो क्या मतलब आप किसान? अरे भैया किसान तो है ना, किसान का शोषण करते हैं तो किसान है। अगर किसान नहीं होते तो किसान का शोषण कैसे करते हैं? अरे किसान को कभी जरूरत पड़ती है तो 2000 देते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो उसकी हेल्प करते हैं। ये का किसानी नहीं है का? अच्छा एक बात बताइए, आप ये जो बीच बीच में कभी आप भोजपुरी, कभी हरियाणवी, कभी पंजाबी बोलते हैं, क्या चक्कर? देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, अरे किसान तो किसान है ना। और हम तो वो किसान हैं जो शोषण करने वाले हैं। अब आप क्या समझते हैं, ये जो इतनी सब्जियां, इतना खाना वाना सब जो आ रहा है का, ये सब प्लांड है भाई। अब हम ये सब नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे ना, हजारों लोग हैं, सबको खाना चाहिए। अच्छा आप लोगों को ये सब कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है ये आपको? अरे किसान को किसान दे रहा है, किसान के चाहने वाले दे रहे हैं, किसान को चाहने वाली पार्टियां दे रही हैं, किसान के चाहने वाले नेता दे रहे हैं। तो किसानों को चाहने वाले नेता तो सरकार है ना, वो उनका भला चाह रही है। अरे नहीं भैया, सरकार तो बहुत, छोड़ दीजिए उसकी बात आप, अब हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे से हैं, जो हम लोगों को आगे धकेल रहे हैं और हम भोले वाले किसानों को आगे धकेल रहे हैं। मतलब आप देश के अंदर अर्थव्यवस्था को, कानून व्यवस्था को खत्म करना चाह? अरे भैया कौन खत्म करना चाहता है, हमारी मांग है पूरी कर दो। अरे भैया ये हमारी जो कमीशन का जो चल रहा है सैकड़ों सालों से, अब यही खत्म कर दोगे तो हमारे तो बच्चे मर जाएंगे ना भूखे। अच्छा आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन जो किसान के भूखे बच्चे मर रहे हैं उनका क्या होगा? अरे देखिए भाई, अब किसान के बच्चे भूखे मरते हैं तो मरे, आत्महत्या करते हैं तो करें। अबे हमें तो अपने अपनी आड़त से, अपनी कमीशन से लेना देना है, वो हमें मिलती रहे टाइम पे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वरना देखो अब हम ये जो मीटिंगें हो रही है ना, ये सब हो लें, हमारा मेन मकसद यही है कि हम नहीं तो देखो आज तो हमने अवार्ड वापस किए हैं, तो कल क्या करेंगे आप? अरे करेंगे क्या, धरना देंगे, पूरा भारत बंद करेंगे, पूरा विश्व बंद करेंगे। आप क्या कोरोना है जो पूरा विश्व बंद करेंगे? अरे भैया मतलब हम पूरा विश्व नहीं, मतलब और जो हमारे देश, जो हमारे साथ देश पाकिस्तान है, चाइना है, कनाडा है, ये सब हमारे देश है ना, तो हम वो गलती में क्या करें, माफी चाहते हैं, मतलब हम देश बंद करेंगे। तो मतलब आपको देश से बिल्कुल प्यार नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि देश को तरक्की मिले, देश तरक्की से काम करे। सर्दियों का मौसम है और आप सड़कों के ऊपर रजाइयां वजाइयां लेके और रास्ते रोक कर खड़े खड़े नहीं है भैया, बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, दो टाइम का भोजन मिलता है, पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है, कहां से पैसा आ जाता है?
अरे भैया डोनेशन, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों से डोनेशन आ रहा है, ऐसे ही थोड़ा ना कोई पेट भरता है किसी का, सबके घर पे सबके घर पहुंच रहे हैं पैसे। हाँ बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप लगातार बैठे रहेंगे ऐसे ही। अरे भैया इसमें क्या टेंशन है, हमारी कमीशन जो जा रही है उसे तो हमें रोकना पड़ेगा ना। अब सरकार मान नहीं रही है, सरकार मान जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कभी कानून को ध्यान से पढ़ा है, कानून के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कानून तो किसानों के लिए है ना। अरे यही तो टेंशन है ना भैया, किसानों के लिए कानून है, हम आढ़तियों के लिए नहीं है ना। अरे हम जो ये बहुरूपीय किसान है ना, जो किसान बन के आए हुए हैं इस आंदोलन में, हमारे लिए नहीं है ये, तो भोले भाले किसानों के लिए जो हमने आगे कर रखे हैं। हम तो मलाई खाने के चक्कर में हैं, हमारी मलाई अगर सरकार छीनेगी तो हम तो ऐसे ही बंद कराएंगे। मतलब आप मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, आपको लगता नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं, अगर फिर हम आपके ऊपर बारिश करेंगे, आपके ऊपर डंडा बरसाएंगे, कुछ बरसा लीजिए ना, कितना बरसाएंगे, अरे इतने हजारों के अंदर दो चार पांच दस मर जाएंगे तो आपकी सरकार गई। हम तो चाहते यही हैं, हमारे देश हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो चाहते यही हैं, चाइना भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है, टर्की भी यही चाहता है, कनाडा भी यही चाहता है, अरे अंदर की जितनी भी बख्शी पार्टी है वो भी सब यही चाहती है कि आपकी सरकार गिर जाए। लेकिन आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस तरह नेशनल जर्नल के ऊपर इस तरह की बकवास कर रहे हैं और देश के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं? अरे इसमें खिलाफ क्या है भैया, विपक्ष है ना, हम तो किसान है ना भैया, किसान तो देखो अन्नदाता होता है, और किसान अगर नहीं बोलेगा तो, किसान अगर भूखा मरेगा तो कैसे, आपको लगता है कि आप भूखे मर रहे हैं? ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया टी शर्टें पहन रखी है आपने, आप कहां से किसान लग रहे हैं? देखिए ये सब डोनेट है भैया, सब डोनेट है, हमारे पास तो कुछ अपना है ही नहीं। हम तो सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि हमारी कमीशन के रास्ते जो पहले से चले आ रहे हैं वो चलते रहें, हम किसी भी तरीके से किसान से माल लें, कैसे लें और उसको हम कैसे बेचें, बस इस पर हमें बंदिश ना हो। मतलब आप चाहते हैं कि जो 100 साल से आप वो ब्याज वाली स्थिति, जो आड़त वाली स्थिति, जो आप बिल्कुल शोषण वाली स्थिति चलती चली जा रही है वो आप लगातार लागू रखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। भैया ये तो देखो बिजनेस है ना, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमको डोनेशन नहीं मिलेगा ना, और हमारी कमीशन खत्म हो जाएगी। तो हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हम आढ़तियों, ओह सॉरी आढ़तियों नहीं, हम किसानों की ही, हम किसानों की मांगों को पूरा कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। बस भैया हम तो यही कहते हैं इस इंटरव्यू में नेशनल चैनल के सामने। तो अभी आपने सुना कि एक किसान नेता कितना झूठा, कितना मक्कार बना हुआ है। ये किसान नहीं, बेसिकली आड़ती है जो देश को बरगला रहे हैं, जो अपनी कमीशन के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस पूरे के पूरे वार्तालाप का मजा लीजिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।